वेलकम माय यूट्यूब चैनल शिल्पा ब्लॉग। शिल्पा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अब आज बनाने जा रहे हैं मशरूम से सब्जी। देखिए कितने आसान तरीके से बनाएंगे मशरूम की सब्जी, बिल्कुल सबसे हट के एकदम। सबसे पहले इसको ठंडे पानी से अच्छे से 2 से 3 बार धोएंगे एकदम अच्छे से, कचरा कचरा अच्छे से लौड़ लौड़ के धोएंगे, क्योंकि मिट्टी घूस बालू जैसे रहता है इसमें किरकिर करेगा, इसलिए सबसे पहले अच्छे से धोएंगे। उसके बाद इसका छिलका उतारेंगे। इसमें छिलका उतारेंगे और गर्म पानी लेंगे एक तरफ, छिलेंगे और उसे गर्म पानी में डालेंगे। देखिए ये गर्म पानी लिए हैं, उसको छिलेंगे और इसमें गर्म पानी में डालते जाएंगे। इसको हमको छिलना है, इस तरह छिलेंगे कि इसमें पतला सा छिलका निकल गया। देखिए इस तरह छिलका आपका निकलेगा, ये छिलका सारा हमको हटा देना है। छिलका छिलेंगे, अब इसको कट करके गर्म पानी में डालते जाएंगे। वीडियो आप लोग देखिए पूरा ध्यान से किस तरह बनाते हैं मशरूम सब्जी, बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाएंगे। इस तरह कटेंगे, 4 पीस करके इसको गर्म पानी में डाल देंगे। हाथ से भी छील सकते हैं, हाथ से भी छील देंगे। हाँ देखिए छिलका जैसा छिलका निकलेगा इसका एकदम, क्योंकि छिलका नहीं हटाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको तो अच्छे से धो लीजिए पहले, उसके बाद इसका सारा छिलका हटाइए। छिलका हटा कर उसके बाद गर्म पानी में धोइए 2 बार। इसको बनाएंगे हम सूखा हुआ मसाला अपने बनाएंगे, मसाला पीसकर पेस्ट बनाएंगे, खा मसाला पीसेंगे इसमें। उसके बाद बनाएंगे इसका सब्जी, बहुत टेस्टी बनता है मशरूम की सब्जी। वीडियो मेरा देखे गए तो पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आप लोग किस तरह बनाते हैं मशरूम की सब्जी। ये एक बार गर्म पानी से धो लिया इसको, इतना फ्रेश हो गया है। इसमें फिर से हम गर्म पानी डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सारा पानी में डुबा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो क्या इसको मसाला तैयार करते हैं, उसके बाद इसको छन्नी में छानेंगे। ये देखिए लहसुन लिए, अच्छे काली बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4 लौंग लिए, काली मिर्च, साबुत जीरा लिए, साबुत धनिया आधा चम्मच लिए, 4 हरी मिर्च लिए हैं। ये सबको मिक्सर के जम लिए। और इसमें लहसुन चाहिए या नहीं चाहिए, लहसुन डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते, क्योंकि मशरूम में लहसुन नहीं जाता है। तो डालें अच्छे काली और इसको पीसेंगे। महीन सा इसका पेस्ट बनाना है, तो देखिए इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे अभी प्याज, प्याज डाल दिया। उसके बाद चलिए पीस के लाते हैं। ये देखिए पेस्ट बना लिए, इस तरह बनाना है पेस्ट महीन सा। अब हो गया का तेल गरम हो गया है, तब कढ़ाई बैठे तेल गरम हो गया। 2 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर हैं। सबसे पहले इसमें 3 पत्ता डालेंगे हम, तो चटक जाएगा। तो प्याज डालेंगे, अब प्याज हल्का मोटा काटे हैं, मशरूम प्याज बड़ा बड़ा रहता है। प्याज हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ मशरूम हमको फ्राई करना है तो प्याज जल जाएगा, इसलिए प्याज को हल्का फ्राई करेंगे। प्याज हो गया है फ्राई, इसमें डालेंगे हम मशरूम, मशरूम छान के रखे थे, इसको हल्का फ्राई करेंगे। मशरूम में पानी भी छोड़ता है तो इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि पानी सारा सूख जाएगा। उसके बाद इसमें इसको ढक के पाँच मिनट हो गए हैं। इसके बाद देखिए कितना कलर चेंज हो गया है ना, तो इसमें हम डालेंगे मसाला जो पेस्ट बनाया था, इसको डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी,
करेंगे खड़ा मसाला से इसमें डाल दिए। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, वह एक चम्मच नमक डाले, इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें सूखा हुआ पाउडर नहीं डालेंगे मिर्ची पोसा का, क्योंकि हरा मिर्ची पीसे हैं, इसको इसी तरह बनाना है। बस इसमें टमाटर जो कट किया है इसको 5 मिनट बाद डालेंगे टमाटर, इसको ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। बिल्कुल आसान तरीका है मशरूम बनाने के लिए। हमारे पाँच मिनट हो गया है, अब इसको देखते हैं उभार कर, देखिए कितना मस्त कलर आया है। देखिए तेल भी छोड़ दिया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर जो कट करके रखे थे। टमाटर डालकर चलाएंगे इसको 2 से 3 बार, उसके बाद इसको भी ढक देंगे ताकि टमाटर जो भी है गल जाएगा अच्छे से। 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। इसको ढक दिए हैं, पाँच मिनट हो गया है। अब इसको देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, देखिए टमाटर भी सारा गल गया है, देखिए कितना मस्त कलर लग रहा है। अब ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला भी पक गया है, टमाटर भी पक गया है। 3-4 बार चलाएंगे इसको इसी तरह। कितना अच्छा खुशबू दे रहा है बिना सूखा हुआ मसाला का। इसमें गरम मसाला भी यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि बड़े इलायची पीसे थे इसलिए गरम मसाला ऊपर से नहीं डालेंगे। ये अच्छे से भुन जा गया मसाला, तो फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे, कितना मस्त लग रहा है एकदम से। बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का, कोई झंझट कोई तामझाम नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा गर्म पानी, कोई भी सब्ज़ी बनाए इसमें ठंडा पानी नहीं डालें, गर्म पानी डालें तो बेहतर अच्छा रहेगा। इसलिए हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हम गर्म पानी ही डाल यूज करते हैं। हमको ग्रेवी बनाना है तो बस और गर्म पानी इसमें डालेंगे अभी। डेढ़ गिलास के लगभग डालें गर्म पानी। कितना मस्त कलर लग रहा है, इसमें कस्तूरी मेथी भी नहीं जाएगा, बस सिंपल ऐसे ही बनाना है आपको। 2 प्याज 3 टमाटर से बिल्कुल आसान तरीक़ा से। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे वीडियो फिर बनाएंगे नए टिप्स के साथ। देखिए कितना मस्त कलर आया है, कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें कोई मिर्ची पाउडर कोई कश्मीरी मिर्च नहीं डाले, बस सिर्फ टमाटर और खड़ा मसाला और प्याज से बनाए हैं। लग रहा है ना होटल के जैसा एकदम। मटन और चिकन फेल है, देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है एकदम, और बहुत अच्छा खुशबू दे रहा है। लोग बनाइए इस तरह। इसको धनिया पत्ता थोड़ा सजा देंगे अच्छे से।